मेला चाहे कोई भी हो, उसे घूमने के लिए दो चीज़ चाहिए, मनी एंड माइंड। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तो आगे पता चल ही जाएगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे मजा आया? झूला पे, सबसे ऊपर वाले झूला पे। चल छुट्टी हो तो दिख रहा था। चार टिकट दे दीजिए, हाय कर दीजिए, हाय। जल्दी से देखो शालू कैसा। एक दो क्या रे, भीख मांग गया क्या? देख रहे पैसा वेस्ट नहीं हुआ, जब हम वीडियो बना देते हैं ना तब लगता है कि मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, वेस्ट नहीं हुआ इन्वेस्ट। डिज्नीलैंड मेला जहानाबाद। तो गाइस इस मेले की लोकेशन की बात करें तो यह जहानाबाद बस स्टैंड से 1 किलोमीटर ईस्ट में निजामुद्दीनपुर गांव में लगता है। इसी गांव से होते हुए काको रोड गुजरती है, तो इसी काको रोड के बिल्कुल सटे ही उत्तर साइड में ये मेला देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं बाहर साइड पार्किंग एरिया है, तो काफी सारे बाइक ऐसे पार्क हो रखे हैं और ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मजे करने के लिए सबसे पहले एंट्री गेट के अंदर जाना होगा, लेकिन उससे भी पहले आपको 10 रुपए का एंट्री टिकट लेना होगा, लेकिन उससे भी पहले आपको घर से पैसा लेना होगा। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो गाइस हम लोग 4 लोग हैं, तो एंट्री टिकट के नाम पे यहाँ पे 40 रुपए गोल हो जाता है। तो देख सकते हैं गेट पर सामने ही 2 बाबाजी मिल जाते हैं। एक बाबाजी है जो टिकट कलेक्ट कर रहे हैं एंड दूसरा बाबाजी है जो हाथ में लाठी लिए खड़े हैं ताकि आपकी गांड तोड़ी जा सके जब भी आप बिना एंट्री टिकट के एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप मात्र 10 रुपए में अपनी गांड का इंश्योरेंस जरूर से जरूर करवा लें। और ये है ऑफिस जो कि देख सकते हैं सीसीटीवी के जरिए निगरानी भी रखी जा रही है, और आप यहां पे पता कर पाएंगे कि इस मेले का टाइमिंग क्या है, कितना दिनों तक ये मेला रहने वाला है। इस मेला की टाइमिंग की बात करें तो शाम 4:30 बजे से रात 10 बजे तक का होता है। यह मेला 45 दिनों के लिए एवरी ईयर समर सीजन में जनरली अप्रैल मई जून मंथ में लगाया जाता है ताकि बच्चे बूढ़े जवान बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शॉपिंग कर सके, फास्ट फूड के मजे ले सके, झूला झूल सके, बोले तो फुल मजे कर सके एक ही जगह पर। तो जो कुछ भी इस जहानाबाद के डिज्नीलैंड मेला में है वो आपकी आंखों के सामने है, तो इसे देखने का एंड एंजॉय करने का और इसके आगे मैं क्या ही बोलूँ। थोड़ा सा बोल देता हूँ, ये भाई इतनी बढ़िया सा म्यूजिक लगा। डिज्नीलैंड मेला लगभग सभी गांवों शहरों में लगाया जाता है। यह मेला लगाने से पहले यह ध्यान रखा जाता है कि इस मेला को वैसा जगह पर लगाया जाए जहां कम से कम 30 से 45 दिन तक यह मेला चल सके। सबसे पहले तो एक खुला बड़ा सा मैदान होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व वाला इलाका होना चाहिए, साथ ही इस मेला में आने जाने की अच्छी खासी रोड व्यवस्था भी होनी चाहिए। जनरली यह मेला हर बार उसी जगह पर लगाया जाता है जहां पिछला साल लगा था। यह मेला जहानाबाद, पटना, गया, भागलपुर, सिवान, रांची, उत्तर प्रदेश, बोले तो एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी में लगाया जाता है। अब बात करें अलग अलग जगहों के डिज्नीलैंड मेला में क्या डिफरेंस होता है, तो कुछ डिफरेंस नहीं होता है। इस मेला को बस एंजॉय एंड शॉपिंग करने के लिए लगाया जाता है, जिससे दुकानदारों को भी अच्छी खासी सेल हो जाती है एंड जनता लोग मजे कर पाते हैं। वैसे भी जनता लोग को चाहिए क्या, फिर भी इस चीज़ का डिफरेंस आ जाता है। जो सिटी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, भीड़ भाड़ वाला जगह पर है, जैसे पटना के गांधी मैदान, तो वहाँ के डिज्नीलैंड मेला में छोटे मोटे बच्चों वाले झूले नहीं, एकदम हाई फाई लेवल का बड़ा
वाला झूला लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अलग अलग एडवेंचरस राइड्स, एक्टिविटी, ये सब की सुविधा भी मिल जाएगा। साथ ही नाच गाना, सर्कस, ये सब की भी सुविधा देखने को मिल जाएगा। तो बोले तो एकदम फुल हाई लेवल वाला मजा ले पाएंगे। क्या दिख रहा है? क्या रे भीख मांग गया? क्या दिख रहा है? गजब बेइज्जती है। न खाना न पीना, खाली वीडियो बनाना। तो ऐसा करने पर हम यूट्यूबर्स के साथ क्या होता है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो सोचे बेइज्जती खाने के बाद अब थोड़ा बटाटा पूरी चाट भी खा लिया जाए। तो हम लोग थे चार लोग, लेकिन दो ही प्लेट लेते हैं क्योंकि साथ में खाने से प्यार बढ़ता है ना जी, और साथ ही पैसा भी बचता है। तो 120 के जगह 60 रुपये में काम हो गया। तो अब थोड़ा गौर फरमाइएगा, कसम से बता रहे हैं एकदम मजा आ जाएगा जी। तो चाट ले दो प्लेट, चम्मच ले चार, आहा, चाट ले दो प्लेट, चम्मच ले चार। अगर आप ऐसा काम ना कर रहे हैं तो काहे रह रहे हैं बिहार। सालू कैसा? मस्त। तुम छोड़ो, कैसा लगा? हमको भी गाइस काफी ज्यादा ओपी लगा। ओपी नहीं, चुतिया लग रहा है बे। फूड किस लिए होता है? एनर्जी के लिए। तो फिर इसमें स्वाद क्या है ढूंढ रहे हो? अच्छा छोड़ो, हटाओ। ड्रेस, कपड़ा जिसको बोलते हैं, ये किस लिए होता है? शरीर को ढकने के लिए। तो फिर इसमें फैशन क्यों ढूंढ रहे हैं बे? आगे से ऐसा कटा हुआ, पीछे से ऐसा, इसमें फैशन क्यों ढूंढ रहे हैं? अच्छा छोड़ो, बताओ कुर्सी किस लिए होता है? कुर्सी बैठने के लिए ना। तो इसमें डिजाइन का है ढूंढते हो, इसलिए डिजाइन निकाल के फेंक दिया। चलो बैठने के लिए होता है तो आराम से बैठो। और ये देखिए यहाँ पे गन फायरिंग चल रहा है। तो आप भी आइए और अपना शौक पूरा कीजिए, कोई भी जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। बस ध्यान रखिएगा कि ये गन फायरिंग किसी के घर पे मत कर दीजिएगा। और यहाँ देखिए रिंग खेल चल रहा है, रिंग फेंकिए और रिंग साबुन फंसाइए। अब ये भाई साहब को कोई बताए कि हम लोग यहाँ पे कपड़ा धोने नहीं, मेला घूमने आए हैं। और अब ये देखिए रिंग फेंको के बाद बॉल फेंको और गिफ्ट फंसाओ गेम चल रहा है यहाँ पे। तो 20 रुपये का आपको 6 बॉल मिल जाएगा या तो रिंग मिल जाएगा। और ये दोनों दुकान है जो एक ही भाई साहब का है, मैं कसम से बता रहा हूँ, ये बचपन में जरूर सट्टेबाज रहे होंगे। और ये देखिए मतलब हर चीज़ें मिल रहा है जी, इतना वेराइटी तो आपको बड़ा बड़ा मॉल में भी नहीं मिलेगा। पूरा खिलौना स्टोर, गिफ्ट स्टोर, सिंगार स्टोर, बर्तन दुकान, यहाँ तक कि अचार पापड़ के भी दुकान। तो आप लोग देखिए ये वीडियो एडिटर, मजा नहीं आ रहा यार, थोड़ा वॉल्यूम तेज करो।
तो उधर से अब हम लोग झूला की तरफ आ जाते हैं। और अब कुछ फोटोज एंड सेल्फीज कैप्चर कर लेते हैं, पता ना झूला झूलने के बाद फोन रहेगा कि नहीं। अरे कौन सा झूलना? वो चलो चार टिकट दे दीजिए। और ये रहा 200 रुपये का चार टिकट हिल स्विंग के लिए, बोले तो चकड़ी वाला झूला के लिए। चार लोग का है। की सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समान। एक ही में चार बैठता है क्या? अलग अलग एक ही में चार बैठता है? हाय कर दीजिए। हाय सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। सबको डर लगने लगा, मुझे डर नहीं लग रहा। वो अभी सबसे ज्यादा टॉप पर है, देख सकते हैं। अरे लोग प्रेस हो कभी इसके हम सारे करते और ये है झूला पर का दो चार फोटो, आप लोग भी देखिए मजा आएगा। चलो हाथ तर तरा रहा होगा मेरा नहीं।
ओहो अब घर चलो, न लेना न देना, खाली छूछा के रख देना। देख लो कैसे रहेगा, क्या रहेगा, रहेगा। गजब बेइज्जती है। तो कैश तो हो गया था ख़त्म, तो अब ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जैसे ही UPI पिन डाल रहा होता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा भाई का नज़र मेरे फ़ोन पर था। क्या दिख रहा है? खाओ जल्दी जल्दी खाओ। चलो खाओ दी। एक हमको दे दीजिए। असली मजा धुएं में है, तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ही भैया जी के पोस्टर पे लिखा हुआ था। तो सोचे थोड़ा हम भी धुआं धुआं कर ले। तो इस धुआं धुआं के चक्कर में लिटरली बता रहा हूँ भाई, 4 रुपये के बिस्कुट के बदले 40 रुपये गोल हो जाते हैं। अरे स्वाद ही लेना था ना, कसम से बता रहा हूँ सर, उस समय याद नहीं रहा, ना तो एक बिस्कुट का मैं 4 टुकड़ा कराता या फिर खुद कर देता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फाइनली गाइस अब बाहर निकल रहे हैं, 6:45 में यहाँ पहुँच गए थे और 8:30 में वापस जा रहे हैं। तो वापस जाते समय तो फोटोज एंड सेल्फी का याद आ ही जाता है, तो बस वही हो रहा है। चलो दो 4 पीस ले लेता। डेमन ड्रिप है। एक दो जी। देखिए यहीं पे डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है जो कि निजामुद्दीनपुर में है, जहां से काको रोड गुजरती है। और अब हम आ गए हैं काको मोड़ पर जो कि जहानाबाद बस स्टैंड के पास है। और अब हम आ गए हैं ऊटा मोड़ के पास। और अब हम आ गए हैं मालाचक रोड पर मोमोज खाने। मोमोज अंकल हंस रहे हैं। अब खुश हो गए यार, दिखाओ जल्दी से, जल्दी से दिखाओ। छोटू तो खा गया यार, रैक पे यहाँ यार बोलता। छोटू 1 रुपये के लिया है, 1 रुपये में 1 गो। अरे आसान। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे मजा आया? झूला पे, सबसे ऊपर वाला झूला पे। अच्छा चल छुट्टी हो तो देख रहा था। टॉप लेवल पे। अच्छा तुमको छोड़ो वही झूला पे सबसे ज्यादा। हमको भी झूला पे मजा आया, तुमको दीदी झूला पे, सबको झूला पे ही मजा आया बस। और बाकी सब पैसा वेस्ट, पैसा वेस्ट नहीं हुआ। जब हम वीडियो बना देते हैं ना तब लगता है कि मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, वेस्ट नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट। वीडियो अगर नहीं बनाते तो वेस्ट हो जाता। सालू आप कैमरा पे भी बोल दो। प्रिंस मोमो कॉर्नर यहाँ, हम लोग उधर जाके मोमोज खिला दिया, खुद का मोमोज कॉर्नर होने के कारण। अच्छा ये मेरा मोमोज कॉर्नर था, बोल रही है कि यहाँ पे क्यों नहीं खिलाया, यहाँ पे भर पेट खाने के लिए बोल रही थी। प्रिंस मोमोज कॉर्नर था ना। चलो अब बस बस मेरे घर तक जाइएगा का। अब यहीं पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए काहे कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा कम है तो काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती फील होता है। और हाँ इस वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो को इंटरेस्टिंग एंड फनी बनाने की कोशिश किया हूँ, तो उसका टाइम है जो आप लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में ताकि उसको मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ और आपको मज़ा दिला सकूँ। तो बस गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।